यहाँ पे दो घड़ी के बारे में जिक्र किया गया है, वो ऐसा दिया गया है कि पहली एक हाथ की घड़ी और दूसरी क्या है दीवार की घड़ी है। उसमें ऐसा बोला है कि हाथ की घड़ी में जितना समय है उतना ही समय दीवार की घड़ी में है, ठीक है। और यहाँ पे प्रश्न ऐसा बोला है कि आदर्श के हाथ की घड़ी और दीवार की घड़ी समय समय समान दिखा रही है, दीवार की घड़ी में 10:05 हुए, 10:05 हुए है, तथा हाथ की घड़ी में 11:00 एक्स मिनट बाकी है, तो दोनों घड़ी का सही समय क्या होगा, दोनों घड़ी का कौन सा समय दिखा रही है, सवाल ये पूछा गया बच्चों, है ना। दरवाजा बंद कर दो, ठीक है, दिखा रही है। तो यहाँ पे बच्चों क्या करना है, जो दो घड़ी थी दोनों का एक ही समय है, एक में 10:00 हुए और दूसरे में 11:00 में कुछ समय बाकी है, इस तरीके से सवाल दिया गया। सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो बच्चों यहाँ पे क्या करना, जो भी घंटे होंगे, क्या होंगे घंटे, घंटे का अंतर निकालने के, मतलब जो बोला है 10:00 और यहाँ पर 11:00 में कुछ समय बचा है, तो यहाँ पर एक क्या करेंगे घंटे का अंतर, मतलब 11 में से 10 गए तो कितना बचा, 1 घंटा बचा, कितना बचा 1 घंटा, उनका अंतर कितना आ गया 1 घंटा। जो अंतर आएगा बच्चों वो मिनट में रखेंगे, किस में रखेंगे मिनट में, 1 घंटे का अंतर मतलब कितना होता है 60 मिनट का अंतर, ठीक है। पहले क्या किया बेटा, एक नंबर पे क्या करेंगे हम लोग घंटे का अंतर रखेंगे, ठीक है। दूसरा कंडीशन इसमें आ जाता है, जो आपके मिनट रहेंगे क्या रहेंगे मिनट, मिनट को हमेशा जोड़ेंगे, क्या करेंगे मिनट को जोड़ेंगे, देखो मिनट का योगफल, मिनट का योगफल करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे दिया है 5x मिनट और यहाँ पे क्या दिया है एक्स मिनट बाकी है, जोड़ लो कितना हो जाएगा ये 6x मिनट, ठीक है बच्चों। यहाँ पे क्या हो गया, पहले आपने घंटे का अंतर निकाला, मतलब 11 में से 10 माइनस किए तो कितना है 1 घंटा आ गया, ठीक है, 1 घंटा मतलब 60 मिनट। इसके बाद मिनट का योगफल किए, यहाँ पे क्या था 10:00 था और दूसरे में क्या था 11:00 बाकी था, उनका जब आपने योगफल किया तो कितना आ गया ये आ गया आपका 6x मिनट। तो बच्चों ये बात ध्यान में रखना हमेशा कि यहाँ पे जो घंटे का अंतर था और यहाँ पे जो मिनट का अंतर, मिनट का योगफल था, दोनों हमेशा क्या होता है इक्वल होता है, क्या होता है इक्वल होता है, मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा 6x बराबर होता है आपका 60 मिनट, ये भी मिनट में आ गया, ये भी मिनट में आ गया, ये दोनों बराबर है। तो यहाँ पे x की जब वैल्यू निकालेंगे तो 60 बटे कितना आ जाएगा 6, x की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब आपकी x की वैल्यू 10 आ गई तो रख दो सवाल में, पहला सवाल बोला था 10:00, क्या बोला है उसने 5 × 10, x की वैल्यू कितनी आ गई 10, तो मतलब यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 10:50। ऑप्शन में है क्या, कौन सा, एक नंबर का करेक्ट है, या फिर उसको दूसरे तरीके से देखोगे तो बच्चों क्या हो जाएगा पता है, 11:00 में कितने मिनट बाकी है, यहाँ पे समझ में आ रहा है क्या, 10:50 मतलब 11:00 में कितने मिनट बाकी है 10 मिनट बाकी है, तो यहाँ पे लिख सकते हो देखो 11:00 में एक्स मिनट बाकी है, तो एक्स मिनट बाकी है मतलब कितना बाकी है 10 मिनट बाकी है, समझ में आया। देखो वापस से बता रहा हूँ, जब भी दो घड़ियों का चित्र दिया गया हो और दोनों घड़ियों में सही समान समय दिखाता हो, एक समान समय दिखाता हो, तो इस कंडीशन में क्या करना, जो घंटा रहता है शुरुआत का समय रहता है उनका क्या करेंगे अंतर निकालेंगे, क्या करेंगे अंतर निकालेंगे, और अंतर को किस में रखेंगे मिनट में रखेंगे, क्या रखेंगे मिनट में, बराबर है। उसके बाद जो आपका मिनट दिया होगा, जैसे कि यहाँ पर 10:00 दिया था 5x मिनट और 11:00 एक्स मिनट बाकी था, जो मिनट रहेगा उनका क्या करेंगे योगफल करेंगे, क्या करेंगे योगफल, और ये हमेशा क्या होते हैं दोनों बराबर होते हैं, ठीक है, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी और इस तरीके से हम आंसर निकाल पाओगे, ओके। चलो लिख लो फटाक से, देखो सवाल क्या दिया दो नंबर का, एक घड़ी में 4:04 और दूसरी घड़ी में 6:06 क्या है कम है मतलब बाकी है, तो ये दोनों घड़ियां एक ही समय दिखा रही है तो सही समय क्या होगा, ठीक है, दो घड़ी और दोनों घड़ी सही समय बता रही है, एक में क्या बोला है कि 4:04 हुए और दूसरे में क्या बोला है कि 6:06 बाकी है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले क्या करेंगे घंटे का अंतर, क्या आ गया बताओ जरा, 2, 6 में से 4 गए कितना बचा 2,
और 2 घंटे का मतलब क्या होता है? 120 मिनट। 120 मिनट, कितना सबको समझ में आया क्या? इसके बाद क्या बताया था? मिनट का योगफल। मिनट क्या दिया यहाँ पर? 4x मिनट दिया गया है और यहाँ पर 6 बजने में 6x मिनट बाकी है, तो इनको ऐड कर लेंगे। कितना हो जाएगा? 6 4 10x। 6x मिनट ही दिया ना, ठीक है। देखो 4:48, ठीक है, 4x, ठीक है, इनको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 10x हो जाएगा। अब यहाँ पे बच्चों ये आ गया, तो मैंने क्या बताया था कि ये और ये दोनों क्या होता है? बराबर होते हैं, क्योंकि ये मिनट में है, इसमें दिया है मिनट में, तो क्या हो जाएगा? 10x = 120, बराबर है। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 120 / 10, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 12। मतलब एक्स की वैल्यू 12, तो कहीं पे भी डाल दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर डालोगे तो कितना जाएगा? देखो यहाँ पर अगर गुना करेंगे 4 बजकर कितना हो जाएगा? 4 × 12, 4 × 12 करो कितना हो जाएगा? 48। 4:48। अब 4:48 का मतलब क्या होता है कि 5 बजने में कितना समय बाकी है? 12 मिनट बाकी है। समझ में आया? देखो 4:48 का मतलब क्या होता है कि 5 बजने में 12 मिनट बाकी है। आंसर समझ में आ गया? और इसका आंसर 4 नंबर में करेक्ट था कि 5 बजने में 12 मिनट बाकी है। चलो लिख लो फटाक से। देखो सवाल क्या दिया है कि एक घड़ी हर घंटे कितना मिनट पीछे हो जाती है? 10 मिनट ना वो पीछे हो रही है, ठीक है। अगर 12 बजे घड़ी बराबर लगाई गई तो एक घंटे बाद, कितने घंटे बाद? एक घंटे बाद बोला है कि घंटे और मिनट की सुई में कितने अंश का कोण बनेगा। क्लियर है बच्चों? अब ये बताओ, उसने बोला है कि एक घंटे में 10 मिनट पीछे हो जाती है, अब एक घंटे में 10 मिनट पीछे हो रही है, मतलब कितना मिनट चल रही है? 50 मिनट चलेगी। एक घंटा होता है 60 मिनट। क्या होता है? एक घंटा बराबर कितना होता है? 60 मिनट, है ना। तो 60 मिनट में वो 10 मिनट पीछे जा रही है, इसका मतलब वो एक्चुअल में ना 50 मिनट ही चल रही है। कितने 50 मिनट चल रही है वो। इतना तो सबको समझ में आ गया होगा। अब ये बताओ, घड़ी 12 बजे बराबर लगाई गई है, 1 बजे उसने पूछा है कि कितना, सबसे पहले तो उसमें निकालेंगे कि 1 घंटे बाद सही समय क्या होगा। 1 घंटे बाद सही समय निकालेंगे। घड़ी 12 बजे बराबर लगाई गई है, कितने बजे? 12 बजे। देखो घड़ी उसने 12 बजे बराबर लगाई है और 1 बजे तक पूछा, इसका मतलब घड़ी कितने मिनट चली है? 50 मिनट चली। मतलब घड़ी का जो सही समय होगा ना वो होगा 12:50। इतना समझ में आया बच्चों? अब यहाँ पे क्या पूछा था कि 1 घंटे बाद घंटे और मिनट की सुइयों के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा, तो मतलब 12:50 पर कितने अंश का कोण बनेगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? 30h - 11/2 मिनट, यही फॉर्मूला लगाना था, ठीक है। अब ये लगा लोगे तो क्या हो जाएगा? 30 × कितना, कितने घंटे है? 12 - 11/2 मिनट कितना दिया है? 50। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 12 × 36, 360 में से माइनस करेंगे ये हो जाएगा 25, और गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा ये 5, 7 और 2, 275 आ जाएगा। कितना? 275। 360 में से 275 माइनस करते तो आपका आंसर आ जाएगा 85 अंश। कितने अंश का कोण बनेगा? 85। मतलब 2 नंबर का इसका आंसर करेक्ट है। चलो लिख लो। देखो बच्चों सवाल क्या दिया है कि एक घड़ी हर घंटे कितना मिनट पीछे जाती है? 15 मिनट पीछे जाती है। मतलब एक घंटे में वो 15 मिनट पीछे होती है। मतलब वो कितना समय चली होगी बताओ जरा? एक घंटे में 15 मिनट पीछे हो रही, इसका मतलब वो 45 मिनट ही चल रही थी। कितने? 45 मिनट ही चल रही थी। अब 45 मिनट चली तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर घड़ी 1 बजे बराबर लगाएगी, कितने? 1 बजे। 1 बजे घड़ी बराबर लगाई है तो 1 घंटे के बाद सही समय क्या होगा? 1 बजे बराबर लगाई थी और वो चली 45 मिनट, तो कितना? 1:45 पर कितने अंश का कोण होगा, यही पूछा है।
ठीक है बच्चों, वही फॉर्मूला लगा लेंगे 30 इंटू एच माइनस 11 बाय 2 इंटू मिनट। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 30 एकम 30 माइनस इसका आधा करेंगे तो 22.5 आ जाएगा। कितना 22.5, 11 गुना में 22.5। अब इसका गुना कर लेंगे तो 30 माइनस 11 पचे 55 है ना, 5 5 2 7 2 2 4 और 2 247.5 आएगा। क्या किधर तो बैठ इधर 200। देखो ये आएगा 5 5 2 7 2 2 4 और 2 और एक अंक के बाद पॉइंट, तो ये आ जाएगा 30 माइनस 247.5। जब बेटा इसको माइनस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा बताओ, 30 माइनस करेंगे तो 217.5 आएगा। आपको मैंने एक पॉइंट बताया था कि जब भी आपका अंश 180 से ज्यादा आएगा तो उसको कितने से माइनस करेंगे, 360 से माइनस करेंगे। तो 360 से 217.5 को माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 5, यहाँ पर 2, यहाँ पे 4 और यहाँ पर 1, 142.5 जो कि 4 नंबर का आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, देखो सवाल क्या दिया है, तीन घड़ियों का अलार्म 3 बजे के बाद 9 मिनट 15 मिनट तथा 35 मिनट के बाद बजती है, तो तीनों घड़ियां एक साथ अब कितने बजे बजेगी, यहाँ पे ध्यान दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 घड़ियां, कितनी घड़ी है, 3 घड़ी। पहले कितने बजे एक साथ बजी थी, वो 3 बजे, 3 बजे एक साथ बजी। उसके बाद क्या बोले, जो तीनों घड़ियों का अलार्म बजता है, एक घड़ी का अलार्म 9 मिनट बाद बजता है, दूसरी घड़ी का अलार्म 15 मिनट के बाद बजता है, तीसरी घड़ी का अलार्म 35 मिनट के बाद बजता है। तो इन्होंने ये बोला है कि तीनों घड़ियां जो 9 मिनट 15 मिनट 35 मिनट के बाद बज रही है, तो 3 बजे के बाद अब कितने बजे तीनों घड़ियां एक साथ बजेगी, क्या बजेगी, एक साथ। तो बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले ना हम लोग जो ये समय दिया है 9 मिनट 15 मिनट और 35 मिनट, इनका क्या निकालेंगे, लसावि निकालेंगे। क्या निकालेंगे, लसावि, लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम सामयिक विभाज्य, यानी कि एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, किसका किसका, 9 का 15 का और 35 का। ठीक है बच्चों, देखो कितने से कट रहा है, 3 से, 3 का 9, 3 5 15, ये कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। 5 से कट कर लो, यहाँ पे 3 से कट रहा है, 3 का 3 और 5 और 35 बचा, 5 से कट कर लो, 5 एकम 5 और 5 7 35 और 7 से बचा, 7 का 7 खत्म हो गया ये। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनका गुना ही मतलब आपका क्या मिलेगा, एलसीएम मिलेगा। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 गुना में 3 गुना में 5 गुना में 7, ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, 9 बजे 45 और गुना में 7, गुना करोगे कितना जगह, 7 बजे 35 के 5 हासिल लगे कितने, 3 7 चौक 28 और 3 31 315। ये क्या है बच्चों पता है, ये मिनट आया, क्या मिनट आया, ये 315 मिनट को हम लोग क्या करेंगे, 315 मिनट को हम लोग घंटे और मिनट में कन्वर्ट करेंगे, किसमें, घंटे और मिनट में। अब ये बताओ 315 मिनट मतलब कितने घंटे और कितने मिनट होता है, अब ये बताओ जो मिनट है ना, इसको घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से भाग करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 315 भाग में 60, जब 60 से भाग दे दो तो 6 5 30 5 बार जाते हैं, कितने बार, 5 बार पूरा पूरा जाएगा, 5 घंटे आ जाएंगे, जिसका मतलब बचेगा कितना ऊपर का, 15, मतलब 5 घंटे 15 मिनट को घड़ी चलने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले कितने बजे से एक साथ बजे थी, 3 बजे, इसका मतलब 5 घंटे 15 मिनट के बाद वापस एक साथ बजने वाली है, तो 3 बजे प्लस 5 कितना हो गया, 8, 8 बजकर कितने बजे थे, 15 मिनट बचे थे, आज 8 बजकर 15 मिनट पर दोनों मतलब तीनों घड़ियां एक साथ वापस से बजेगी, इसका मतलब इसका सही आंसर क्या था, 4 नंबर का करेक्ट इसका आंसर। ठीक है बच्चों, देखो देखो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था सेम क्वेश्चन है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए, उसी तरीके से आप इसका आंसर निकाल के ना आपका जो आंसर होगा वो कमेंट करो, क्योंकि ये आपको क्वेश्चन होमवर्क पे दिया गया है। ठीक है,